वेलकम बैक टू मम्मी का मैजिक। यू नो, मैं जब भी मेक्सिकन रेस्टोरेंट जाती हूँ मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेरे बेटे अगस्त्या और मेरे हस्बैंड को नाचोस बहुत पसंद है, लेकिन उसके साथ जो साल्सा सॉस देते हैं वो बड़ा ही स्पाइसी होता है, तो ड्राई नाचोस खाने में उतना मजा नहीं आता। फिर आप ऑर्डर करते हैं कोई चीजी सॉस जो बहुत ही फैटनिंग होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना जब बच्चों को नाचोस इतना पसंद है उसके साथ कुछ ऐसा सॉस बनाया जाए जो हेल्दी भी है एंड टेस्टी भी, एंड नाचोस के चक्कर में कुछ हेल्दी उनके सिस्टम में भी चले जाएगा। तो मैंने सोचा बनाया जाए एक साल्सा विद अ हेल्दी ट्विस्ट। एंड रेडी हो गया क्या पाइनएप्पल साल्सा? अभी सुना है इसका नाम? नहीं ना? अब देखिए और सुनिए और सीखिए भी। चलिए बनाते हैं मजेदार टैंगी पाइनएप्पल साल्सा। आप एक बोल लीजिए, उसमें हम सबसे पहले पाइनएप्पल चॉप करके डालेंगे। तो आप पाइनएप्पल के स्लाइसेस लीजिए, उसे बारीकी से चॉप कर लीजिए। तो ये कट गए हमारे पाइनएप्पल, इन्हें आप एक बोल में डाल दीजिए। इसमें हम डालेंगे थोड़े से फाइनली चॉप टमाटर। सालसा तो टमाटर के साथ ही बनता है, मेन उसका इंग्रेडिएंट टमाटर होता है। इसे हमने पहले से डी सीड करके रख दिया है। इसके जो बीज हैं वो आप निकाल दीजिए और उसे बारीकी से चॉप कर लीजिए। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज, मुंबई की भाषा में कांदा। फाइनली इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा खीरा। अब इसमें हम टॉस कर लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले। देखिए मसाले डालने से पहले चलिए आज के हमारे दूसरे कॉलर से बात कर लेते हैं। आज हमें फोन कर रही है सुप्रभा नायर गुजरात। हेलो सुप्रभा। हेलो। हाय सुप्रभा, दिस इज अमृता हियर फ्रॉम मम्मी का मैजिक। हेलो मैडम, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी कुछ बना रही हूँ मजेदार साल्सा। ओके गुड। बताइए आपका क्वेश्चन क्या है? मैम मुझे ये पूछना था कि हम जो रोज का जो खिचड़ी खाते हैं वो, जैसे कि खिचड़ी वैसे तो बोरिंग खाना लगता है, तो हम उसे और इंटरेस्टिंग और स्टाइलिश और गार्लिक सबको कैसे बनाएं? सिंपल है, आप एक आइडिया लगाइए। आप लीजिए एक प्यारा सा मिकी माउस या यू नो कोई भी कार्टून शेप का मग, उसमें आप डालिए खिचड़ी जो आपने बनाई है, उसके ऊपर इतना थिक लेयर आप चीज का ग्रेट कर दीजिए, ठीक है? और उसे आप अवन में थोड़ी देर डाल दीजिए। अवन में डालने से क्या होगा कि वो जो चीज है वो ऊपर से ब्राउन हो जाएगा। तो जब आप अपने बच्चे को देंगे उसे लगेगा वाओ ये तो बड़ा ही एक्साइटिंग डिश है, एंड वो अंदर डालेगा हाथ, चीज के साथ थोड़ी खिचड़ी आएगी और वो खाएगा उसे, उसे एंजॉय करेगा, क्योंकि जब आप खिचड़ी को चीज के साथ मिला देंगी तो टेस्ट कुछ अलग ही हो जाएगा। तो आप ये मेथड इस्तेमाल कीजिए एंड आई एम श्योर आप यू नो आपका बच्चा और मजे से खिचड़ी खाएगा। अदरवाइज बेसिक जो है, अगर आप घर में कढ़ाई में लगा रही हैं या यू नो किसी डिश में सर्विंग डिश में सर्व कर रही हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के वेजिटेबल्स लीजिए, उसे ऊपर से गार्निश कर दीजिए कुक्ड वेजिटेबल्स, उसे बेसिकली थोड़ा कलरफुल दिखने दीजिए। कलरफुल चीजें बच्चों को हमेशा पसंद आती है। ओके यस मैम। ओके बाय बाय। सो कम ऑन लेट्स कंप्लीट द रेसिपी। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च, पाउडर्ड काली मिर्च हम ले रहे हैं, थोड़ी सी पाउडर्ड शुगर। शुगर हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इससे थोड़ा सा मीठापन भी आए। एंड फाइनली हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा नींबू का जूस। ओके, अब इसे एक बार टॉस कर लेंगे ताकि सारी जो हमने सीजनिंग डाली है वो अच्छे से मिल जाए साल्सा के अंदर। मिक्स हो गई है, अब इसे हम सर्व करेंगे। लेकिन हम इसे बस ऐसे ही नहीं सर्व करेंगे, हम इसे सर्व करेंगे नाचोस के साथ और इसे दे देंगे एक टिफिन डिश की तरह। जब बच्चे स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ नाचोस के साथ ये मजेदार यम्मी साल्सा खाएंगे, ट्रस्ट मी आपको जरूर याद करेंगे। तो कम ऑन लेट्स डू दिस। ये हम लेंगे एक टिफिन और इसमें हम डालेंगे हमारा साल्सा जो हमने बनाया है।
ओके, अब इसके दूसरे कंपार्टमेंट में हम डाल देंगे नाचोस, बच्चों का फेवरेट होता है। ऑलराइट, अब क्या डाला जाए? अब इसे कंप्लीट करने के लिए कुछ और डालें। इसमें हम डालेंगे रियल का लीची जूस। एंड फाइनली बच्चों को थोड़ा सा और खुश करने के लिए चलिए थोड़े कैंडीज डाल देते हैं। कैंडीज डाल दिए एंड हियर यू गो, हमारा होलसम यमी 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 टिफिन इज रेडी। तो चलिए मैं इसे पैक करती हूँ, तब तक आप देख लीजिए इस रेसिपी का एक क्विक रीकैप। पाइनएप्पल सालसा बनाने के लिए एक बोल में 2 कप छोटे छोटे कटे पाइनएप्पल, आधा कप छोटे छोटे कटे टमाटर के टुकड़े, छोटे छोटे कटे मीडियम साइज के लाल प्याज और चौकोर कटे आधा कप खीरा डालें। इसके बाद डालें स्वाद भर नमक और काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच पिसी चीनी, 3 बड़े चम्मच नींबू का रस। इसे अच्छे से मिला लें और लीजिए आपका पाइनएप्पल सालसा हो गया तैयार। सालसा हो या टैंगो, चाहती हो या वॉल्सी, मैं अपनी डिश को हर तरह का ट्विस्ट एंड टर्न देने के लिए हमेशा रेडी होती हूँ।